दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज दूत और मैं हूं आपका दूत सुधीर उपाध्याय। आज मध्य प्रदेश का सिवनी जिला महाबंद में है। जी हां, यहां कानून और व्यवस्था यद्यपि प्रभावित है लेकिन स्थिति नियंत्रण में भी है। मामला है पिछले दिनों धनोरा और धूमा के जंगलों में निर्दोष बेजुबान जानवरों विशेषकर गौवंश की हत्या का और मिली कटी अधकटी लाशें। जी हां, इस इलाके में इस घटना से सनसनी फैल गई है और हिंदूवादी संगठनों ने आज महाबंद बुलाया है। जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, पुतला दहन हो रहे हैं, नारेबाजी हो रही है और मुकम्मल सिवनी बंद है। व्यवसायियों में रोष है, हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश है। बताया यह जाता है कि धूमा और धनोरा के जंगलों में करीब दर्जनों गौवंश को सिरकटी लाशें यहां मिली हुई हैं। आनंद फानन में पुलिस ने इसे रिकवर किया है और अब कलेक्टर कहते हैं कि स्थिति नियंत्रण में है, कठोर कार्रवाई की जाएगी उन आरोपियों पर, अपराधियों पर। इन सभी को मैं संदेश देना चाहूँगा, पूरा पुलिस और पूरी तरीके से प्रशासन के सभी विभाग इसमें जुटे हुए हैं, अपनी भूमिका निभा रहे हैं और शीघ्र ही हमें इस घटना के पीछे कौन है वो भी पता चलेगा और उस अनुसार उसमें जो भी कानूनी कार्रवाई हो। लेकिन इसके बावजूद भी अब तक हिंदूवादी संगठन आक्रोश में हैं और धरना दे रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। नहीं कर रहे, हम मुसलमान भाइयों से भी पूछना चाहते हैं कि वो गौ माता का दूध पीते हैं कि उसका खून पीते हैं? अपने बच्चे को माता किसका दूध पिलाती, गाय का खून क्यों नहीं पिलाती यदि वो उस पर अत्याचार कर? सुखाना सीखो दोस्तों, ये बहुत बड़ी घटना हुई है और जो हमारे सामने है और ऐसी निरंतर घटनाएं घट रही हैं और मैं हमारे अधिवक्ता संघ के माध्यम से मैं उसका अध्यक्ष हूँ। बताया यह जाता है कि इस घटना के तार मंडला जिले के उस भैंसवाही गांव से जुड़े हो सकते हैं जहां पिछले दिनों मंडला की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर गौवंश के मांस और हड्डियां पकड़ी थी और उन आरोपियों के घरों को जमी दोज किया था। स्थिति तनावपूर्ण उस समय भी दिख रही थी लेकिन आश्चर्य यह है कि पड़ोसी जिले में आखिर ऐसी घटना घट कैसे गई? क्या खुफिया विभाग और क्या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में कहीं कोई चूक हुई है? इन सब की बात जांच के बाद पता लगेगा कि कारण क्या है, लेकिन लोकल विधायक इस घटना से हताश भी हैं और आक्रोशित भी हैं और वे उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आरोपी शिकंजे में होंगे। लोकल विधायक का कहना है कि घटना को गंभीरता से लिया जा रहा है, प्रशासन इस घटना को गंभीरता से ले रही है लेकिन एक समय रहते यदि आरोपियों को गिरफ्त में नहीं लिया गया तो मामला और बिगड़ सकता है। बहरहाल न केवल सिवनी और मंडला जिले की पुलिस बल्कि समूचे मध्य प्रदेश के खुफिया विभाग और इस जिले में अलर्ट मोड पर है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस मामले को कैसे निपटाया जाता है, लेकिन यह सही है कि आखिर उन बेजुबान जानवर और निर्दोष जानवर जो अपने प्राकृतिक रूप से जंगलों में हरी हरी घास चर रहे थे उनका आखिर दोष क्या था? यह अपराधियों के क्रूरतम होने का संकेत है जिन्हें दबोचना ही चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।